ढक लिया मुझे। मेरे पैसे बर्बाद हो गए। कैमरा कैमरा रखा छोड़। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब, सीन आज कुछ ऐसा हुआ है। कैसा हो? मैं कैसे बताऊं? तो भाई साहब, मैंने रात को यार अपना ना एक मैं कहा यार चलो, एक मेरा अकाउंट यूट्यूब का ना हो गया बंद, जिसपे मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह करता था, पबजी वगैरह की और वीडियो रिकॉर्डिंग करता था, ठीक है। एंड कंटेंट जो होते थे वो अलग अलग अपलोड किया करता था मैं। तो वो अकाउंट मेरा टेंशन वालों ने, मैंने कुछ हैकिंग टैग वगैरह हैशटैग लगाए थे, जिस वजह से पबजी यानी कि टेंसेंट वालों ने, जो पबजी वाले थे के होल्डर हैं, उन्होंने स्ट्राइक दे के भाई वो अकाउंट कर दिया बैन। तो भाई 2 महीने 1 महीने भाई मैं फुल ना क्या कहते हैं ना डिसऑर्डर रहा, और मैंने कोई पबजी वगैरह कोई ऐसी सीन नहीं खेला, ना कोई लाइव स्ट्रीम की, बस नॉर्मली ऐसे कैजुअल। मैं कह चलो कोई ना, खैर है, दोबारा नए सिरे से मेहनत करेंगे, दोबारा हम आएंगे ऊपर। तो भाई रात को थोड़ा सा जुनून चढ़ा था, तो यार मैंने कहा चलो प्रॉपर वर्किंग करते हैं अपने लाइव स्ट्रीम सेटअप की तरफ वापस। तो भाई रात को मैंने फिर एक देखा कि भाई यूट्यूब वीडियो देखा कि भाई जैसे बाकी स्ट्रीमर्स होते हैं वो पीछे कोई अपना बैकग्राउंड ख़त्म करने के लिए, मेरा ये देखो एक ही बैकग्राउंड वाइट दीवार है भाई, सफ़ेद कलर की दीवार और साथ में टेबल वगैरह पड़े होते हैं। तो वो करते हैं भाई ग्रीन स्क्रीन लगा लेते हैं बैक साइड पे, या पोस्टर्स लगा लेते हैं, या कुछ और कर लेते हैं। तो यार मैंने कहा यार चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ कि ऐसा कोई सीन पट है, कैसा है, क्या करना पड़ेगा उसमें, क्या नहीं। तो मैंने यार सर्चिंग की काफ़ी कोई, तो बहुत जाके मुझे एक वेबसाइट मिली थी, एनवीडिया ब्रॉडकास्ट। एनवीडिया ब्रॉडकास्ट, बल्कि आपको मैंने बता क्यों रहा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो कि प्रोफेशनल यूट्यूबर्स स्ट्रीमर्स वगैरह हैं वो ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जो कि ग्रीन स्क्रीन की झमेला यानी कि जो होते हैं ना टेंशन, वो नहीं अफोर्ड करते, यानी कि वो सरदर्द लेते ही नहीं है ग्रीन स्क्रीन की। तो वो ये काम करते हैं ताकि उनको इजी हो जाए काम। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिना कोई बात किए आपको प्रॉपर दिखाई देता हूँ मैं, जो आओ चलते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि आपको बताया, तो मैंने ये ऐप यानी कि ये वेबसाइट थी एनवीडिया ब्रॉडकास्ट की, जो मैंने देखी थी यूट्यूब से कि भाई जो ये लोग यूज़ करते हैं अपनी ग्रीन स्क्रीन के यानी कि जो खर्चा था वो बचाने के लिए, यानी कि उनको इतना यानी कि यार पहले कोई लाइव स्ट्रीम करने के लिए, या कोई कंटेंट बनाने के लिए, कोई रिकॉर्ड करने के लिए, वो पीछे ग्रीन स्क्रीन को पहले सेटअप करते हैं, ये वो थोड़ा सा दिमाग उनका ना क्या कहते हैं ना पागल हो जाता है इसके ग्रीन स्क्रीन के सेटअप की वजह से। तो उन्होंने एक भाई ये हल निकाला था कि भाई मैंने देखा था कि एनवीडिया ब्रॉडकास्ट जो है वेबसाइट, इससे आप एक एनवीडिया ब्रॉडकास्ट एक डाउनलोड भी होता है एक वेबसाइट से, वेबसाइट एनवीडिया, मैं आपको दिखाई देता हूँ मैं जाके, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, गो फोर्स RTX योर लिमिट लाइव स्ट्रीमिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो भाई इसको ओपन करते हैं। तो भाई ओपन किया तो भाई हमने वही एज यूजल भाई देखा कि भाई हमने इसको किया था डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करते ही ये देखो एज यूजल आपको सिंपल बता रहा है, इसको सारा मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है। जैसे कि आप देखो स्ट्रीम कर रहे हो, आपका जो जो इनके फेस है, बैकग्राउंड वगैरह आपने चेंज करनी है, इनके बैकग्राउंड फुल पीछे वाली रिमूव करनी है, ताकि आपका सिर्फ बॉडी और फेस दिखाई दे सामने कि आप क्या कर रहे हो, बाकी पीछे वाला जो इरिटेटिंग होता है हर चीज़ ये वो, यानी कि कोई गंदी सी भी यानी कि जगह हमारी पीछे दीवार गंदी है या कुछ हो रहा है, आपको पीछे वाला सेटअप चेंज करना है, या फिर ये होता है कि बिल्कुल बैकग्राउंड क्लियर करके यानी कि गेम में आपका बंदा साइड पे दिखे। तो मैंने ये सीन भाई किया, डाउनलोड किया, और तो भाई डाउनलोड करने के बाद इन्होंने मांगी मेरे से परचेजिंग, ठीक है। परचेज मैंने किया भाई तकरीबन $39 फॉर अ 6 month, 6 month के लिए भाई मैंने $39 का ये मैंने परचेज किया एनवीडिया ब्रॉडकास्ट डाउनलोड करके। तो जैसे ही मैंने यानी कि मैं अपने सेटअप वगैरह यानी कि सेट शूट करके देख दूँ कि भाई ब्रॉडकास्ट करके डाउनलोड वगैरह करके परचेज करके, ठीक है, कल आके बाकी देखेंगे सेटअप वगैरह करेंगे। तो घर गया हूँ, घर जाके भाई लेटा हूँ मैं ऐसे एज सिंपल, तो जैसे मैं यूट्यूब स्क्रॉल्स कर रहा हूँ तो भाई मेरे सामने एक वीडियो आई। भाई जस्ट इमेजिन वो वीडियो देखने के बाद
मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया कि मैं कितना पागल हूँ, फजूल में इतने खर्चा किया मैंने, $39 मैंने फजूल में दिए, ठीक है, और इतना झमेला किया। तो भाई सीन ये है, मेन सीन ये है, मैं आपको बताता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए, को भाई एक ऐसी एप्लीकेशन और ऐसी वेबसाइट और ऐसा ऐप मुझे मिला है जो कि पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो, मैक में कर सकते हो, जिस किसी किसी भी सिस्टम में कर सकते हो आप। मुझे एक वेबसाइट पता चली है जिसका नाम है भाई स्नैप कैमरा, कैमरा। तो भाई स्नैप कैमरा के नाम से एक मुझे एप्लीकेशन दिखी थी, तो स्नैपचैट पता नहीं कहा भाई स्नैप कैमरा चाहिए। तो भाई स्नैप कैमरा हमने ऑन किया यहाँ से, तो भाई इन्होंने बताया कि भी स्नैप कैमरा में भी आप सेम कर सकते हो, इसमें एक ये भी एडवांटेज है, लेकिन ये वाला वो नहीं है यार, ये वो नहीं है, इज दैट नॉट ना, ये वाला होगा आई थिंक सो। भाई साहब क्या कर रहे हो भाई, स्नैपचैट नहीं चाहिए हमको, हमको स्नैप कैमरा दिखाओ सर, ऐसे तो नहीं ना करो। हाँ ये देखो ना, ये आपको नीचे स्क्रॉल करोगे आपको ये नीचे मिल जाएगा स्नैप कैमरा, स्नैप कैमरा आपको ये ठीक है नीचे देखने को मिल जाएगा। तो आप, मैंने इसको क्लिक किया, अभी इसको किया डाउनलोड, भाई इस पे मैंने वीडियो देखा, तो भाई इसमें जैसे कि देख रहे हो बैकग्राउंड में देख रहे हो आप, ये क्या यानी कि आप फनी फेसिस के साथ साथ भाई यानी कि फुल स्नैपचैट की तरह आप यानी कि अपनी स्क्रीन को कर सकते हो, यानी कि आपके फेस वगैरह के जो भी है। इसको डाउनलोड किया, मेरा तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं आपको सिंपल सीधा जाके अपना एनवीडिया ब्रॉडकास्ट वो यानी कि ये एनवीडिया कह रहा हूँ स्नैप कैमरा जाके दिखाता हूँ। तो भाई ये मैंने डाउनलोड किया, ठीक है, अभी ये कैमरा शो नहीं हो रहा बिकॉज मैं दूसरी जगह अपना ये रियल कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई स्नैप कैमरा ये डाउनलोड किया था मैंने, तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई इसका क्या इफेक्ट है। तो भाई जैसे कि आप ये देख सकते हो, मैंने इसको प्लग आउट किया यानी कि प्लग आउट करके अपने कैमरे को दोबारा प्लग इन किया, तो भाई ये आपका स्नैप कैमरा डाउनलोड हो चुका है, मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इस वजह से सर पकड़ के बैठा हूँ कि भाई मैंने $39 यूज़ कर दिए एनवीडिया ब्रॉडकास्ट पे, वहाँ पे वेस्ट कर दिए, जो कि यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे फनीज फेसेस के साथ आप अपनी वॉइस, इसमें ये भी सीन एक एडवांटेज है कि आप अपनी वॉइस को भी फनी बना सकते हो ऑन लाइव स्ट्रीम। यहाँ से आप सिंपली जाके अपने गूगल से स्नैप कैमरा को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आपके सामने आपको रिजल्ट दिखाते हैं। मेरा कैमरा चल रहा है, ठीक है, कैमरा चल रहा है। अब एज आप फनी फेसेस देखो, ये देखो भाई काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं भाई फनीज, ये देख लो, हेलो वाई सी ओ, हेलो हेलो, तो भाई ऐसे आप फनी फेसेस के साथ लाइव स्ट्रीम वगैरह कर सकते हो। अब आपको जब क्या, अब रहा बैकग्राउंड, जो कि मेरा मेन इशू था बैकग्राउंड, तो भाई बैकग्राउंड मैंने जब ये सारी देखी है, देखो भाई कैन यू इमेजिन दैट, जब मैंने ये देखा, आपको थोड़ा सा कैमरा में पीछे करके दिखाता हूँ ताकि मेरा पूरा फेस दिखाई दे। तो भाई कैन यू इमेजिन दैट, भाई ये देखो ना कोई ग्रीन स्क्रीन है ना कुछ और, इसको मैं स्मॉल करके अपने उधर ओबीएस स्टूडियो में, जो कि मेरा स्ट्रीम लैब स्टूडियो है, उसमें वहाँ भी एड करके लाइव स्ट्रीम ईजिली कर सकते हो। देखो बैकग्राउंड मूवेबल बैकग्राउंड इतना मस्त है भाई, इतने सारे मूवेबल बैकग्राउंड, ये देखो फुल ब्लैक बैकग्राउंड है, आप अपनी स्ट्रीम में भी लगा सकते हो भाई, आपका वही कैप्चर कर रहा है जो आपके बिल्कुल कैमरे के सामने आ रहा है। देखो बाकी जैसे आप हाथ मूव करते हो तो वैसे आपकी ये देखो लाइटिंग इफेक्ट कर रही है, वरना ये देखो मेरे फेस ये कैमरा शो हो रहा है, और जैसे देखो ये हाथ वगैरह ये बाहर जा रहा हूँ तो देन ये थोड़ा सा शो करवा रहा है, वरना तो देख सकते हो आपके सामने ही है फुल मेरी ये क्या कहते हैं ना फॉलो कर रहा है कैमरा भाई, जिस इसमें से यार मेरा तो बेहतरीन ये लगा ना भाई, यार मैं कहता हूँ क्या लेवल का ये फीचर है ना, ये जो ऐप है भाई, लाइव स्ट्रीम या फिर कोई कंटेंट राइटर हो आप बोलना चाहते हो यानी कि कंटेंट बनाना चाहते हो, आप बैकग्राउंड अपना चेंज करते रहो ऐसे ही, और फनी फेसेस के हिसाब से आपने यानी कि फनी कंटेंट बनाने हैं, तो भी स्नैप कैमरा मैं कहता हूँ ऐसा बेस्ट तरीन मुझे ऐप मिला ना, मैं कहता हूँ मज़े आ गए हैं। तो भाई आप लोगों से बस मैं यही कहने आया हूँ और इसी के लिए ये वीडियो बनाई है कि भाई काइंडली आप ये देख सकते हो भाई, काइंडली आप किसी भी यानी कि एनवीडिया ब्रोस का ब्रॉडकास्ट टाइप वगैरह पे पैसे वेस्ट ना करना, अगर आप लाइव स्ट्रीमर आप क्या कहते हैं वो हो कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, तो आप काइंडली अपना ना पैसे बर्बाद करना एनवीडिया ब्रॉडकास्ट पे उसको पेड करने के लिए, ताकि आपकी स्क्रीन को गायब कर दे, आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक है, जो कि बिगनर्स यूट्यूबर्स हैं जो कि तो प्रोफेशनल जा चुके हैं यानी कि जिनके भाई 100 100 के सब्सक्राइबर्स हैं, 50 के सब्सक्राइबर्स हैं,
काफ़ी माशाल्लाह जो ग्रोथ कर चुके हैं उनका तो प्रोफेशनल है, वो तो ग्रीन स्क्रीन भी अपनी अफोर्ड कर सकते हैं और अपना एनवीडिया ब्रॉडकास्ट भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो भाई जो कि हम जैसे बिगनर्स यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये बेस्ट एप्लीकेशन है, बेस्ट ये ऐप है, वेबसाइट है, जो कि आप आराम सुकून से बैठ के उसको डाउनलोड करके अपने उस ब्रॉडकास्ट में अपने क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट कह रहा हूँ अपना स्ट्रीमिंग ओबीएस स्टूडियो है उसमें ऐड करके आराम से स्ट्रीमिंग कर सकते हो, कंटेंट आप अपना क्या कहते हैं क्रिएट कह रहा हूँ बना सकते हो एज यूजुअल। मैं आप इसी कैमरे को मैं अपने ओबीएस स्टूडियो में आपको ऐड करके दिखाता हूँ। पहले इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग मैंने की हुई थी रात को कर ली सुबह आके अभी, तो आप इसको कर सकते हो भाई अपने ग्राफिक्स भी सेट कर सकते हो ठीक है, कैमरे के आप माइक्रोफोन आप अपना इसका माइक का भी यूज़ कर सकते हो जो आपने सेपरेट माइक लगाया हो, और आप इसके वो भी यूज़ कर सकते हो जो आपने लगाया हुआ है इन आउटबिल्ड लगाया हुआ है, यानी कि ये जो मेरा माइक चल रहा है ये आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो सेटिंग्स होगी तो अब इसको भाई हम ऐड करते हैं हम अपने OBS स्टूडियो में। तो भाई आओ चलते हैं इसको हम ऐड करते हैं इसको तो भाई साहब यहाँ पे हम अपना करते हैं स्नैप कैमरा को ऐड करते हैं भाई, हमारा स्नैप कैमरा आ चुका हुआ है ठीक है, स्नैप कैमरा में ये ऐड कर लिया हम, जस्ट बस यहाँ पे स्नैप कैमरा अपना ऑन करेंगे, सिंपल स्नैप कैमरा यहाँ पे हमने अपना स्ट्रीम ओबीएस स्टूडियो में हमने यहाँ पे ऐड कर लिया अपना स्नैप कैमरा हमने ठीक है हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ से हमने स्नैप कैमरा जो हमारा ऐड है यहाँ पे हमने जाके जस्ट बैकग्राउंड या कोई भी चीज़ ऐड करनी है एज यूजुअल, देख सकते हो स्नैप कैमरा आप इसको मिनिमाइज कर लो ठीक है, एंड इसको हम फिट टू स्क्रीन करके आपको प्रॉपर दिखा देते हैं भाई। तो भाई साहब आप देख सकते हो यार एक तो ये पंखे का मैं जरा शोर कम करूं, हाँ तो भाई देख सकते हो आपके सामने ही है भाई आपके सामने ही है भाई साहब, ना कोई ग्रीन स्क्रीन यूज हो रही है, इतना कोई फ्लक्चुएट नहीं होता, कोई मसला नहीं। आप बिगनर्स हो, बिगनर्स के लिए आपके लिए इतना ठीक है, काफ़ी है। आप ऐसे कोई भी आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो यार ईजिली, देखो मेरे ओबीएस स्टूडियो में ऐड हो चुका हुआ है, हम यहाँ से हम सिंपल जाके अपना हम बैकग्राउंड चेंज कर देंगे एज लाइक दैट, देख सकते हो भाई। कंटेंट क्रिएटर हो आप तो आप देखो खुद ही सामने यार, आपके लिए बेस्ट चीज़ में ले आया हूँ भाई, आपको ना एनवीडिया ब्रॉडकास्ट पे पैसे खर्चने की ज़रूरत है ठीक है, ना आपको वो क्या करने की ग्रीन स्क्रीन लगाने की ज़रूरत है ठीक है। देखो ईजी आपके सामने कॉन्टेंट क्रिएटर की यानी कि मैं कहता हूँ फुल फील आ जाएगा आप जब यानी कि लाइव स्ट्रीम कर रहे हो भाई, आपको एक होप हो गया भाई बैकग्राउंड हमारा यानी कि क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर आप ब्लैक भी करना चाहते हो इसको बैकग्राउंड आपका ब्लैक हो गया ठीक है, ब्लैक हो गया इसको आप मिनिमाइज कर लो यहाँ पे ताकि आपके कोई पीछे कोई फजूल चीज़ें ना दिखें ठीक है, ब्लैक करके इसको आप कर लो। अगर नहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा ये बीच में, क्योंकि मुझे पता है लाइव स्ट्रीम करते हुए ब्लैक ब्लैक बीच में से साइड पर क्या आते हैं, तो इसलिए आप बेहतर है कोई और ये ऐसे देखो भाई। और कुछ चाहिए आपको मुझे बताओ, इतना बेहतरीन आपको मैं बता दिया, देखो यार क्या इसके फिल्टर्स हैं इतना बेहतरीन किस टाइम है। तो भाई मेरा काम था भाई आप लोगों से शेयर करना अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने यार पैसे वेस्ट कर दिए हैं तो आपको यही मैं एडवाइस दूंगा, तो काइंडली आप पैसे अपने वेस्ट मत करना। अगर आप बिगिनर्स हो, प्रोफेशनल्स हो आप यानी कि अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं आप कर सकते हो अफोर्ड कर सकते हो तो कोई मसला नहीं, आप ये ना यूज़ करो, आप अपना ग्रीन स्क्रीन या एनवीडिया ब्रॉडकास्ट आप परचेज कर सकते हो, जो कि मैं उन लोगों के लिए जो कि बिगनर्स कंटेंट क्रिएटर हैं लाइव स्ट्रीमर्स हैं कोई गेम्स वगैरह की लाइव स्ट्रीम करते हैं या कोई शोर लाइव स्ट्रीम करते हैं, ये उनके लिए है कि भाई आराम सुकून से वो अपने वेबकैम के साथ ऐसे बैकग्राउंड्स चेंज करके यानी कि आप डेली कोई भी बैकग्राउंड्स अपना चेंज कर सकते हो यार, जैसे आप देख सकते हो मैं बैकग्राउंड्स मैं चेंज कर सकता हूं एज यूजुअल जैसे मर्जी। ऊपर से ये देखो 3D एनिमेशन भाई, पीछे देखो क्लाउड वगैरह चल रहे हैं फुल टाइम 3D एनिमेशन वाले, तो भाई उनके लिए ये है जो कि बिगनर्स लेवल्स में है यानी कि जिनके 10K 5K 3K 1K सब्सक्राइबर्स हैं, ये उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते भी ग्रीन स्क्रीन या वो एनवीडिया ब्रॉडकास्ट। तो यार बस यही है, बाकी मेरा काम था यार आप लोगों से शेयर करना ताकि आप लोग भी अपने पैसे बचाओ ठीक है, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा महंगाई हुई पड़ी है, तो अपने पैसे नहीं वेस्ट करना काइंडली आप लोग भी, आप लोगों तक मेरा ये फ़र्ज़ बनता था ये एक चीज़ को आपके साथ शेयर करना ताकि आप अपने
पैसे बचा सको और किसी और चीज़ पे लगा सको। तो अगर आपको मज़ेदार चीज़ लगी हो तो काइंडली ज़रूर यार ज़रा लाइक कर देना वीडियो को, एंड और आपको कोई और चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़े या कोई और चीज़ के बारे में इन्फो लेनी हो तो काइंडली मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम उसके बारे में रिसर्च करके प्रॉपर आपके सामने वो ले आऊँगा कि भाई वो अच्छी है नहीं अच्छी है, बेटर यानी कि अब वो इस काबिल लाइक उस काम के लिए है या नहीं है। तब तक के लिए यार इन्जॉय करो अपने ये स्नैप कैमरा को विद योर लाइव स्ट्रीम्स विद योर OBS स्टूडियो विद योर कॉन्टेंट क्रिएट, एंड करो यार मज़े करो इन्जॉय करो और दुआ में याद ज़रूर रखना यार। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad...